सेगमेंट्स में दोस्तों आपको तीन सेगमेंट मिलेंगे, योर डेटा सेगमेंट्स, कस्टम सेगमेंट्स एंड कंबाइंड सेगमेंट्स। गूगल एड्स में ऑडियंस सेगमेंट्स क्या होता है, इसमें कैसे ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, इसको बहुत ही डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। इस वीडियो के एंड तक आप ऑडियंस सेगमेंट बहुत गहराई से समझ चुके होंगे और उसका इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ऑडियंस सेगमेंट्स इन गूगल एड्स। दोस्तों ऑडियंस सेगमेंट तक जाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ टूल्स एंड सेटिंग्स पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ ऑडियंस मैनेजर में क्लिक करेंगे। ये आपका ऑडियंस मैनेजर का डैशबोर्ड है, इसमें सबसे पहले ऑडियंसेस की बटन आती है, सेकंड है सेगमेंट्स, उसके नीचे योर डेटा इनसाइट योर डेटा सोर्सेस। बाय डिफॉल्ट जो है जब ये खुलता है तो ये सेगमेंट्स की बटन दबी हुई रहती है और सेगमेंट्स के अंदर आपको तीन सेगमेंट दिखते हैं, योर डेटा सेगमेंट्स, कस्टम सेगमेंट्स और कंबाइंड सेगमेंट्स। दोस्तों गूगल एड्स के अंदर ऑडियंस मैनेजर होता है और ऑडियंस मैनेजर के अंदर ऑडियंस सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट्स एक तरीका होता है अलग अलग प्रकार की ऑडियंस को बना के क्रिएट करके मैनेज करने का, रखने का। जब भी आप कोल्ड ऑडियंस की टारगेटिंग करते हैं वो ऑडियंस भी आपको इसमें मिलती है, और अगर आप रीमार्केटिंग करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको ऑडियंस इसमें क्रिएट करना पड़ता है। तो दोस्तों सेगमेंट्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ नीचे जो बटन है योर डेटा सोर्सेज, योर डेटा सोर्सेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये आपको बताता है कि आपके गूगल एड्स को डेटा कहाँ कहाँ से मिल रहा है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं गूगल एड्स का टैग डाला हुआ है वेबसाइट पे, वहां से डेटा मिल रहा है। ये बता रहा है लास्ट 24 घंटे में 332 हिट हुए हैं, एक पैरामीटर आ रहा है और 7 लिस्ट आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चेक करना कि आपके सोर्सेस से डेटा रिसीव हो रहा है गूगल एड्स में, और उसका सबसे सही तरीका है गूगल एड्स टैग में आपको 24 घंटे के अंदर कुछ हिट्स मिलनी चाहिए। इसके अलावा अगर और भी सोर्सेस हैं जैसे गूगल एनालिटिक्स से भी डेटा आ रहा है, या हो सकता है यूट्यूब भी कनेक्टेड हो तो यूट्यूब से भी डेटा आ रहा है, दैट इज ओके, पर कहीं ना कहीं से तो डेटा आना चाहिए गूगल एड्स में। तब तो आपके गूगल एड्स को पता चलेगा कौन आपकी वेबसाइट पे आ रहा हो, तभी आप शायद कभी रीमार्केटिंग कर पाओगे। तो सबसे पहले आप योर डेटा सोर्सेज को चेक कर लें। योर डेटा सोर्सेज को चेक करने के बाद जब आपने देखा सब ठीक है तो अब हम बढ़ते हैं सेगमेंट्स पे। सेगमेंट्स में दोस्तों आपको तीन सेगमेंट मिलेंगे, योर डेटा सेगमेंट्स, कस्टम सेगमेंट्स एंड कंबाइंड सेगमेंट्स। योर डेटा सेगमेंट्स यानी कि जो डेटा सोर्स से जो डेटा आ रहा है उसके बेसिस पे जो ऑडियंस बनी है। सरल शब्दों में कहें तो आपकी वेबसाइट पे कौन विजिट कर रहा है उस बात की इन्फॉर्मेशन जब गूगल एड्स को मिलती है तो उस बेसिस पे जब वो ऑडियंस बनाता है, यानी कि कौन कौन से पेज पे लोग विजिट किए, कितने लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट किए, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट से कुछ खरीदा या कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे लीड सबमिट करी, ये सारा डेटा जो है आपकी वेबसाइट से गूगल एड्स को मिलता है, यानी कि ये योर डेटा, आपका डेटा है, इसलिए उसको योर डेटा वाली कैटेगरी में रखा गया है। और इसके अंदर आप और भी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। तो योर डेटा सेक्शन इज बेसिकली अबाउट आपकी वेबसाइट से जो गूगल एड्स को मिल रहा है। कस्टम डेटा, कस्टम डेटा पे हम क्लिक करेंगे। कस्टम डेटा वो डेटा होता है जिसे आप खुद क्रिएट करते हैं। मैं आपको आगे वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे क्रिएट करना है, बट बेसिकली जब आप ऑडियंस की परिभाषा खुद एक गूगल को बना के देते हैं कि भाई ऐसे लोग, ऐसी एज ग्रुप, ऐसे इंटरेस्ट वाले लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूं, इन लोगों का ग्रुप बनाया जाए, तो उसको हम कस्टम ऑडियंस सेगमेंट कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कंबाइंड सेगमेंट। कंबाइंड सेगमेंट कुछ नहीं होता है, योर डेटा और कस्टम सेगमेंट को मिक्स एंड मैच करके अगर आप कोई ग्रुप ऑफ ऑडियंस बना हैं, तो उसको हम कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट कह सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले योर डेटा सेगमेंट्स पे आते हैं। यहाँ एक टेबल बनी रहती है जिसके नीचे आपको कुछ ऑडियंस बनी हुई दिखेगी। सबसे पहले सेगमेंट का नेम यानी कि ऑडियंस का नाम लिखा हुआ दिखेगा, किस टाइप की है, तो किस टाइप की है वो यहाँ पर उसके ऑडियंस के आगे लिखा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट विजिटर, रूल बेस्ड, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, मेंबर स्टेटस यानी कि वो चालू है या बंद, साइज यानी कि क्या साइज की ऑडियंस है वो, ठीक है, और YouTube पे क्या साइज है, डिस्प्ले पे क्या साइज है, सर्च में क्या साइज है और जीमेल में क्या साइज है। ये इसलिए बताया गया है क्योंकि हर ऑडियंस जो है सभी प्लेटफॉर्म या सभी गूगल की प्रॉपर्टीज पे एक ही साइज की नहीं होती। यानी कि हो सकता है जैसे आप YouTube पे हजारों लाखों को टारगेट कर रहे हो, वही कैटेगरी के लोग जो है जीमेल पे आपको बहुत कम मिले, तो इसलिए साइज भी मैटर करता है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ ऊपर सर्च की बटन मिल जाती है अगर आपके पास बहुत सारी ऑडियंस है तो ढूंढने के लिए। यहाँ पे सेगमेंट्स की बटन मिल जाती है, इसे आप दबाएंगे तो यहाँ पे टाइप के हिसाब से, डेटा सोर्सेज के हिसाब से, मेंबरशिप स्टेटस और यूसेज के हिसाब से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ कॉलम्स की बटन आपको मिल जाती है, इस कॉलम्स की बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्या कॉलम चाहिए आपको उस टेबल में, और या कोई से कॉलम अगर आप हटाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना सिखाना अच्छा लगता है तो आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करके इन चीजों को और ज्यादा डिटेल में भी सीख सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ डाउनलोड की बटन दबा के उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और एक्सपांड की बटन दबा के इस टेबल को और बड़ा कर सकते हैं या और छोटा कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा इस प्लस वाली बटन पे, जहां से आप योर डेटा सेगमेंट्स में और भी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। कुछ ऑडियंस आपको बाय डिफॉल्ट गूगल की तरफ से बनी बनाई मिलती है, जो भी डेटा आपका रिसीव होता है
लेकिन कुछ ऑडियंस आपको बनानी पड़ती है, तो मैं यहाँ पे प्लस की बटन दबाता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप प्लस की बटन दबाते हैं आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि वेबसाइट विजिटर, ऐप यूजर्स, यूट्यूब यूजर्स, कस्टमर लिस्ट और लीड फ्रॉम सेगमेंट्स। दोस्तों वेबसाइट विजिटर यानी कि वेबसाइट पे जो लोग विजिट किए हैं उसमें से कुछ कार्ड छांट करके अगर आपको ऑडियंस बनानी है तो वेबसाइट विजिटर वाले सेक्शन में बनेगी। ऐप यूजर्स यानी कि जो लोग भी आपकी ऐप का यूज करते हैं उस ऐप के यूजर्स के या यूसेज के हिसाब से अगर आपको ऑडियंस बनानी है तो वो ऐप यूजर्स में बनेगी। यूट्यूब यूजर्स यानी कि अगर आपका यूट्यूब चैनल आपके गूगल एड से कनेक्टेड है तो आप यूट्यूब यूजर्स के हिसाब से उनके बिहेवियर के हिसाब से ऑडियंस बनाना चाहते हैं, यानी कि कौन सा वीडियो कितने लोगों ने देखा या किन लोगों ने इस पर्टिकुलर कैटेगरी के वीडियोस देखे या किन लोगों ने ज़्यादा वीडियो देखे या टोटल यूट्यूब व्यूअर्स की अगर आप ऑडियंस बनाना चाहते हैं तो वो आपकी यहाँ से बनती है। कस्टमर लिस्ट यानी कि दोस्तों अगर आपके पास लोगों का डेटा है, ईमेल है या कॉन्टैक्ट नंबर है, वो भी हजारों की संख्या में है, तो उनको आप डाल के भी एक ऑडियंस बना सकते हैं, जिससे गूगल को बहुत अच्छे से आइडिया मिलता है कि कैसे लोग आपके कस्टमर या विजिटर बनते हैं, ताकि वो और उसी टाइप के लोगों को रिसर्च करके ढूंढ के उनको आपका ऐड दिखा सके। और लीड फ्रॉम सेगमेंट यानी कि कोई जो आपने सेगमेंट्स बना रखे हैं उनसे अगर आपको कोई लीड मिली हुई है तो उसकी भी आप ऑडियंस बना सकते हैं। और कस्टम कॉम्बिनेशन दोस्तों यानी कि ये जो ऊपर की जो हमने लिस्ट देखी इनके कॉम्बिनेशन का यूज करके इनकी बनी बनाई ऑडियंस को अगर आप कंबाइन करके कोई नई ऑडियंस बनाना चाहते हैं तो वो आपके कस्टम कॉम्बिनेशन में बन जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेबसाइट विजिटर की ऑडियंस कैसे बनाते हैं, या इसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि गूगल एड्स की रीटारगेटिंग की ऑडियंस कैसे बनाते हैं या रीमार्केटिंग करने के लिए ऑडियंस कैसे बनाते हैं। तो जब हम वेबसाइट विजिटर्स पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से एक बॉक्स खुलता है, सबसे पहले लिखा है सेगमेंट नेम, यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपकी कोई वेबसाइट है, उस पर फर्नीचर बिकता है और उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से एक प्रोडक्ट है ऑफिस चेयर। ऑफिस चेयर का एक पेज है, एक लैंडिंग पेज है मान लीजिए, तो उस लैंडिंग पेज का कोई यूआरएल होगा और उस यूआरएल में कोई ऐसी बात होगी जो उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज की होगी। हो सकता है उसके यूआरएल में लिखा हो ऑफिस चेयर प्रोडक्ट नंबर 234, तो आप यहाँ सेगमेंट में ऑफिस चेयर का नाम दे सकते हैं। वेबसाइट सेगमेंट मेंबर्स कौन से होंगे, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं अगर गूगल एड्स के टैग के हिसाब से, या विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस, तो हम विजिटर ऑफ वेब पेजेस सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे वेबसाइट विजिट इन लास्ट 30 डेज, इस नंबर को आप बढ़ा भी सकते हैं। और फिर दोस्तों आप यहाँ रिफाइन एक्शन की बटन दबाएंगे, इसमें पूछता है कि आपको किस हिसाब से रिफाइन करना है, तो यहाँ आपके पास कुछ ऑप्शन है, पेज यूआरएल, रेफरल यूआरएल या वैल्यू, तो यहाँ पेज यूआरएल करेंगे। कंटेंट्स में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, कंटेंट्स इक्वल्स स्टार्ट्स एंड्स, पर हम यहाँ पे कंटेंट्स करेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑफिस चेयर। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि मेरे वेबसाइट के पेज का यूआरएल जिसमें ऑफिस चेयर लिखा हुआ हो उन लोगों की ऑडियंस बनाई जाए। आप इसको बहुत खुले दिमाग से समझना, हर वेबसाइट के पेज का एक यूआरएल होता है, ऊपर जो लिखा रहता है ना https/, फिर उसके आगे कुछ लिखा रहता है, वो यूआरएल होता है। आपको जिस पेज पे आए हुए लोगों की ऑडियंस बनाना है उस पेज का यूआरएल का कोई सा ऐसा वर्ड आप चुन लीजिए जो कि दूसरे यूआरएल्स में ना हो, और ऐसा होता है कि क्योंकि हर यूआरएल यूनिक होता है तो ऑब्वियसली ऐसा कोई वर्ड होगा या कुछ भी होगा, कुछ अक्षर होंगे, कुछ नंबर होंगे, उनको आप यहाँ पे डाल दीजिए और उसको आप लिख दीजिए कंटेंट्स। इसमें और भी ऑप्शन आते हैं जैसे इक्वल्स यानी कि सेम टू सेम अगर यही लिखा होगा तो ही उसकी ऑडियंस बनेगी, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट्स इज इजीएस्ट वन। मैं मान लेता हूं कि मेरा एक ऑफिस चेयर का प्रोडक्ट है, उसके लैंडिंग पेज के यूआरएल में खास तौर पे लिखा हुआ है ऑफिस चेयर, और कोई यूआरएल ऐसा नहीं है मेरी वेबसाइट पर जिसपे ऑफिस चेयर लिखा हो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा तो ये जो है मेरे लिए एक ऐसी ऑडियंस बनाएगा, जितने भी लोग मेरे ऑफिस चेयर वाले वेबसाइट के पेज पे विजिट किए होंगे पिछले 30 दिनों में, उन लोगों की ऑडियंस बन जाएगी। ये 30 दिन को आप मैक्सिमम 540 डेज भी कर सकते हैं, यानी कि पिछले 540 दिनों में अगर कोई भी मेरे ऑफिस चेयर वाले पेज पे आया होगा तो उसकी ऑडियंस यहां पे बन जाएगी। दोस्तों नीचे आपको ऑप्शन मिलता है प्रीफिल ऑप्शन, यानी कि पहले से अगर आपकी वेबसाइट पे आ रहे होंगे तो उसको प्रीफिल हम चूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आज ही मैंने ऑडियंस बनाई और बस आज से जो लोग आ रहे हैं उन्हीं लोगों की ऑडियंस बनाना है, तो फिर आप स्टार्ट विद एम्प्टी सेगमेंट भी कर सकते हैं, वैसे आमतौर पे इसको प्रीफिल किया जाता है। यहाँ पे अगर आप और कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं ऑडियंस के बारे में तो आप लिख सकते हैं और इस सेगमेंट को क्रिएट सेगमेंट कर देंगे। तो मैंने इस ऑडियंस का फिलहाल नाम दे दिया टेस्ट वन ऑफिस चेयर और मैं सेगमेंट को क्रिएट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी ऑडियंस बन गई टेस्ट वन ऑफिस चेयर। इसमें आगे लिखा है वेबसाइट विजिटर रूल बेस्ड है, ओपन है, पॉपुलेटिंग यानी कि ये अभी बन रही है, वैसे इसमें कोई नंबर नहीं आएगा क्योंकि ना तो मेरी फर्नीचर की वेबसाइट है ना
ना ही उस पे कोई ऑफिस चेयर वाला URL है। अब हम चलते हैं दोस्तों कस्टम सेगमेंट्स पे। कस्टम सेगमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप खुद गूगल को परिभाषित करेंगे, उसको व्याख्या देंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे लोगों की ऑडियंस बनाना है। ये वो लोग नहीं है जो आपकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ये डेटा सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, ये आप गूगल को बताएंगे। तो चलिए और इसको समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। मैं यहाँ प्लस के बटन दबाऊंगा, यहाँ पे ये मेरे से पूछ रहा है सेगमेंट का नाम दो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वही ऑफिस चेयर। अब दोस्तों नीचे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक लिखा है पीपल विद एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट और परचेस इंटेंशन, यानी कि दोस्तों आपको गूगल को बताना है कि आपका कस्टमर का क्या इंटरेस्ट होगा या क्या परचेस करने का इंटेंशन होगा, क्या खरीदने का इंटेंशन होगा या कौन सी सर्विस लेने का इंटेंशन होगा, क्या वो चाह रहा होगा, क्या वो सोच रहा होगा, उस बारे में अगर आप यहाँ नीचे लिखेंगे तो गूगल उन लोगों को आपका ऐड दिखाने की कोशिश करेगा। तो जैसे यहाँ पे भी ये हिंट दे रहा है ऐड इंटरेस्ट और परचेस इंटेंशन, तो यहाँ जैसे अगर मेरा ऑफिस चेयर है तो मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले तो इसका ऑफिस चेयर में इंटरेस्ट हो और मैं यहाँ एंटर करूंगा तो वो ऐड हो जाएगा, या हो सकता है वो एर्गोनॉमिक ऑफिस चेयर खरीदना चाहता हो तो मैं उसको यहाँ एंटर कर देता हूँ। तो ये दोस्तों मैंने बताया गूगल को कि ऑफिस चेयर के खरीदने का जिसका इंटेंशन हो या एर्गोनॉमिक ऑफिस चेयर खरीदने का या उसमें इंटरेस्टेड हो उन लोगों को मेरा एड्स दिखाया जाए। अब दोस्तों यहाँ दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरे ऑप्शन पे अगर मैं टिक करूंगा तो इसका मतलब है पीपल हु सर्च्ड फॉर एनी ऑफ दिस टर्म्स ऑन गूगल। अब दोनों का फर्क समझो दोस्तों, पहला वाला जो है गूगल को खुद पता रहता है किसका क्या इंटेंशन है, कौन क्या ढूंढ रहा है, रिसर्च कर रहा है या खरीदना चाहता है, तो आपको यहाँ पे केवल यहाँ पे अपने कस्टमर का इंटरेस्ट या परचेस इंटेंशन बताना है और गूगल उन लोगों को आपका ऐड दिखाने की कोशिश करेगा। दूसरे ऑप्शन में गूगल बोल रहा है कि जिन लोगों ने भी गूगल की प्रॉपर्टी पे या गूगल पे सर्च किया हो कुछ लिख के, तो वो क्या लिख के सर्च किया होगा वो अगर आप गूगल को बता देंगे तो गूगल ऐसे लोगों को भी आपका ऐड दिखा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल ऑफिस चेयर से रिलेटेड मेरा कस्टमर क्या सर्च कर सकता है जो मेरे काम का हो, तो हो सकता है वो सर्च कर सकता है बेस्ट चेयर फॉर ऑफिस यूज, ऐसा हम गूगल पे लिखते हैं। तो आपको गूगल पे लिखे जाने वाली टर्म्स का यूज करना है यहाँ पे, इसके लिए आप कीवर्ड प्लानर का भी यूज कर सकते हैं। आप उसमें ऑफिस चेयर लिखेंगे आपको बहुत सारी ऐसी टर्म्स मिल जाएंगी जो लोग गूगल पर सर्च करते हैं, उसमें से कोई काम की जो टर्म्स होंगी जो कीवर्ड्स होंगे उनको आप यहाँ पे डाल सकते हैं सेकंड वाला ऑप्शन चूज करके। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको गूगल टर्म्स का, किसी ने जैसे क्या सर्च किया होगा, फॉर एग्जांपल ऑफिस चेयर अंडर 5000, हो सकता है किसी ने ऐसा कुछ सर्च किया हो, तो मैं उसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ दोस्तों। लेकिन आप देखेंगे कि नीचे गूगल आपको कुछ सजेशन भी देता है, इसमें से भी आप चूज कर सकते हैं, जैसे स्टूल ऑफिस चेयर, हाई बैक, एर्गोनॉमिक चेयर, ये मेरे लिए रिलेवेंट है, एर्गोनॉमिक चेयर विद लंबर सपोर्ट, इसको भी मैं चूज कर सकता हूँ और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप परचेस इंटेंशन और इंटरेस्ट बता सकते हैं गूगल को, या गूगल को आप ये बता सकते हैं कि सामने वाला क्या सर्च करता होगा गूगल सर्च पे, ऐसे ताकि गूगल उन लोगों को आपका ऐड दिखा पाए। अब दोस्तों नीचे आते हैं, नीचे दो चीजें और मिलती हैं आपको, पीपल हु ब्राउज टाइप्स ऑफ वेबसाइट, इस पे मैं क्लिक करता हूं। दोस्तों यहां पे आपको उन वेबसाइट्स को डालना है जिन पे आपको लगता है कि आपका कस्टमर जाता होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ऑफिस चेयर है तो सामने वाला जो है पेपर फ्राई पे जरूर गया होगा या जाता होगा, फर्नीचर की वेबसाइट है पेपर फ्राई, ऐसे ही और भी अगर फर्नीचर की वेबसाइट्स हैं जो मैं सिंपली गूगल पे सर्च अगर करता हूँ ऑफिस चेयर खुद, तो मुझे खुद बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे, उन वेबसाइट के URLs को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं गूगल को ये बताना चाह रहा हूँ कि इनके जैसी वेबसाइट्स पे अगर कोई जाता होगा तो उनको भी आप मेरा ऐड दिखा सकते हो। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि मुझे पता है ये भी फर्नीचर की वेबसाइट्स हैं और इन पे भी अच्छी ऑफिस चेयर मिलती हैं, तो मेरी वेबसाइट पे आने वाला कस्टमर या जो अभी नहीं आया है वो इन पे जाता होगा, या इन पे जाने वाले कस्टमर्स के जैसे लोगों को आप मेरा ऐड दिखा सकते हैं। आई होप मेरी आप बात समझ पा रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको गूगल पे सर्च करके बता ही देता हूँ, मैंने गूगल पे लिखा ऑफिस चेयर, मेरे को ऐड दिख रहा है स्लीप कंपनी का, ठीक है, तो स्लीप कंपनी पे भी ऑफिस चेयर मिलती है, तो मैं स्लीप कंपनी की वेबसाइट पे चला जाता हूँ, हालांकि ये इनका ऐड है इसको क्लिक नहीं करना चाहिए, इनके पैसे कट गए होंगे। ऐसी फ्लिपकार्ट पे भी मिलती है और अमेजोन पे भी मिलती है, ठीक है, जियो मार्ट पे भी मिल रही है, पेपर फ्राई जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, पेपर फ्राई खास तौर पे फर्नीचर की वेबसाइट है, आईकेआ पे भी फर्नीचर मिलते हैं। तो मैंने इनको न्यू टैब में खोल लिया, तो मैंने क्या किया पेपर फ्राई की वेबसाइट का URL मैंने कॉपी किया और अपने यहाँ पे लाके मैंने उसको ऐसे पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया, ठीक है। ऐसे ही मैं गया, मैंने आईकेआ की वेबसाइट का URL कॉपी किया ऑफिस चेयर वाला और उसको मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। तो इसका मतलब दोस्तों ये बिल्कुल नहीं है कि इनकी वेबसाइट पे गूगल आपका ऐड दिखाएगा, लेकिन इसका मतलब केवल इतना है कि इन जैसी वेबसाइट पे जाने वाले लोगों को गूगल आपका ऐड दिखा सकता है। ऐसे ही दोस्तों आप नीचे आएंगे, यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है एप्स का, पीपल हु यूजेस टाइप्स ऑफ ऐप, इसका मतलब यही है कि ऐसा नहीं कि इन ऐप जो भी ऐप आप गूगल को बताएंगे उन ऐप पे गूगल आपका ऐड दिखाएगा, नहीं, उन जैसी एप्स को यूज करने वाले लोगों को गूगल आपका ऐड दिखाएगा। दिखा वो कहीं भी सकता है, लेकिन बस उसे ये पता होना चाहिए
कि क्या वो पर्सन ऐसी ऐप यूज करता है। तो यहाँ पे आप Amazon डाल सकते हैं, Flipkart डाल सकते हैं, Paperfry की ऐप डाल सकते हैं, स्लिप कंपनी की भी ऐप डाल सकते हैं, वो भी फर्नीचर की ऐप्स हैं। तो या Amazon Flipkart पे भी फर्नीचर मिलता है, वहां पे जैसे लोग जाते हैं ऐसे लोगों को आपका ऐड दिखाया जाएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ Amazon शॉपिंग क्लिक कर दिया। अब दोस्तों ये हमारी एक ऑडियंस सेगमेंट, कस्टम ऑडियंस सेगमेंट बन गया ऑफिस चेयर वालों का, जिसमें मैंने गूगल को परचेस इंटेंशन बता दिया, सर्च टर्म्स बता दी है, कैसी वेबसाइटों पे लोग जाते होंगे और कैसी ऐप यूज करते होंगे, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब दोस्तों हम चलते हैं कंबाइंड सेगमेंट्स में। कंबाइंड सेगमेंट्स में कुछ नहीं, प्लस की आप बटन दबाएंगे, प्लस करेंगे, इसमें आप यहाँ नीचे से सेगमेंट्स चूज कर सकते हैं, जो भी आपने बनाए हैं, जो भी इंटरेस्ट है उनको चूज करके आप यहाँ पे सेगमेंट बना सकते हैं। ये कोई बहुत खास बात नहीं, आप अपने हिसाब से टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हैं। अब दोस्तों बची दो चीजें, योर डेटा इनसाइट्स एंड ऑडियंसेस। तो योर डेटा इनसाइट्स में आप जाके अपने डेटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं जो गूगल जनरेट करता है। इसमें गूगल आपको बताता है कि किस एज ग्रुप के लोग आपके डेटा में है, कौन सी लोकेशन से लोग आपके डेटा में है, कौन सा डिवाइसेस यूज करते हैं या और किन चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं। फिर लास्ट चीज जो बची वो है ऑडियंसेस। ऑडियंसेस पे हम क्लिक करेंगे। दोस्तों ये जो ऑडियंसेस है ये बेसिकली ऑडियंस सिग्नल है। ऑडियंस सिग्नल का आप यूज करते हैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के अंदर। तो इस ऑडियंस सिग्नल के अंदर ऑडियंस सेगमेंट्स भी रहते हैं, योर डेटा भी रहता है, कस्टम ऑडियंस भी रहती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। यहाँ पे आपको मैं जरा एक बात पे ध्यान ले जाना चाहूंगा। ऑडियंस सेगमेंट का जनरली आप डायरेक्ट यूज करते हो डिस्प्ले एड कैंपेन में या वीडियो एड कैंपेन में या डिस्कवरी कैंपेन में, लेकिन ऑडियंस सिग्नल का आप यूज करते हो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में। अब ऑडियंस सिग्नल कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं यहाँ प्लस की बटन दबाऊंगा। यहाँ पे आप ऑडियंस का नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया टेस्ट ऑडियंस सिग्नल 1। अब दोस्तों इसमें हम कस्टम सेगमेंट्स डाल सकते हैं, योर डेटा डाल सकते हैं, उसके अलावा कौन सी एज ग्रुप का होना चाहिए बंदा, उसके अलावा इंटरेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं और एज ग्रुप के हिसाब से भी डाल सकते हैं, या किसी को एक्सक्लूड करना है तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बना के बताता हूँ। कस्टम सेगमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपने बनाई है कस्टम सेगमेंट्स, जैसे कि मैंने यहाँ ऑफिस चेयर बनाई थी, ये आपको दिख रही है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। योर डेटा में भी हमने एक वेबसाइट का ऑफिस चेयर वाला बनाया था। योर डेटा में भी दो ऑप्शन है, सर्च और ब्राउज। हम ब्राउज करेंगे, ब्राउज करके वेबसाइट विजिटर्स में जाएंगे, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा। ये देखिए मैंने सेगमेंट्स में बनाया था टेस्ट 1 ऑफिस चेयर योर डेटा वाले सेगमेंट के अंदर, तो उसको मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ। अब ऐसे ही आता है इंटरेस्ट के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ ऑफिस चेयर, तो ये मेरे को सजेस्ट करेगा कि कौन से इंटरेस्ट वाले लोग मेरे लिए सही हो सकते हैं। ऑफिस चेयर इन मार्केट, यानी कि जो कि फिलहाल मार्केट में रिसर्च कर रहे हैं ऑफिस चेयर के बारे में, ऑब्वियसली ये लोग मेरे बहुत काम के हो सकते हैं, या ऑफिस फर्नीचर के बारे में। ठीक है, ऑफिस फर्नीचर थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, सिर्फ ऑफिस चेयर पे मैं रहने दूंगा तो ज्यादा सटीक रहेगा। वैसे ही एक्सक्लूजन अगर मैं करना चाहूं तो कर सकता हूं। नीचे डेमोग्राफिक, यानी कि अगर मेरे को बहुत ज्यादा श्योरिटी कि किस एज ग्रुप को ही मेरे को ऐड दिखाना है तो ही मैं यहां पे छेड़छाड़ करूंगा, अदरवाइज मैं इसको ओपन रखूंगा। जो भी लोग ऑफिस चेयर में इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको मेरा ऐड दिखाया जाएगा। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको मेल या फीमेल को हटाना है या किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में दिखाना है, तो आप यहां पे उससे एडजस्ट कर सकते हैं। एडिशनल डेमोग्राफिक में भी आप और भी चीजें एडजस्ट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। बाकी अगर आपको ज्यादा क्लियरिटी नहीं है तो आप इसमें ज्यादा छेड़छाड़ ना करें। और मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा टेस्ट ऑडियंस सिग्नल 1 क्रिएट हो गया है। ये फिलहाल किसी में यूज नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एडेड टू नन आ रहा है, और पॉलिसी स्टेटस वो कुछ समय बाद क्लियर आउट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। सर्विसेज लेने के लिए भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाना सिखाना अच्छा लगता है तो आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करके इन चीजों को और ज्यादा डिटेल में भी सीख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो था ऑडियंस सेगमेंट्स के बारे में। ऑडियंस टारगेटिंग अब कैसे करना है गूगल एड्स की अलग अलग कैंपेन में, उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। आप जरूर देखिएगा कि ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करते हैं। अभी हमने समझा कि ऑडियंस क्रिएट कैसे करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।